कह रहे बच्चों गुड आफ्टरनून। उपसर्ग का चैप्टर चल रहा था अपना, तो संस्कृत के उपसर्ग हो गए थे और हिंदी के हो गए थे, अब हैं उर्दू के उपसर्ग। ठीक है, तो उपसर्ग अर्थ और शब्द रचना। उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, तो इससे शब्द बनाएंगे हम कमजोर, कम अकल, कमशीन। खुश, खुश से बनाएंगे अच्छा, खुश क्या होता है अच्छा, खुशबू, खुशखबरी, खुश नसीब। गैर, गैर होता है भिन्न या फिर अलग। गैर जिम्मेदार, गैर कानूनी, गैर हाजिर। दर, दर होता है में। दरमियान, दरअसल, दरगुजर। ना, ना होता है नहीं या फिर अभाव। ना पसंद, ना लायक, ना समझ। बै होता है अनुसार या फिर के साथ। बखूबी, बनाम, बजिद। बा, के साथ। बाइज्जत, बाकायदा, बाअदब। बद, बद होता है बुरा। बदनाम, बदनसीब, बदशकल, बदतमीज। ला, अभाव या फिर बिना। लापता, लापरवाह, लावारिश। हम होता है साथ, हम सफ़र, हम उम्र, हम दर्द। हम साथ, हम सफ़र, हम उम्र, हम दर्द। हर, सभी, प्रत्येक। हर तरफ, हर साल, हर एक। बे होता है रहित या फिर बिना। बेकाबू, बेवजह, बेचारा। ठीक है, तो आज आपको ये सिर्फ उर्दू के उपसर्ग लिख के लाने हैं, और हिंदी, संस्कृत और उर्दू तीनों उपसर्ग आपको याद करने हैं। कल हम करेंगे कुछ अव्यय शब्द हैं जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होते हैं वो, और इस पाठ लेसन की क्या करेंगे एक्सरसाइजें भरेंगे। थैंक यू, नमस्ते।